तो समझ में आ गए थे कि नहीं? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वीडियो में एक्सप्लेन था, एक्सप्लेन किया गया था इसको मैंने, तो ये क्वेश्चन आपने किया, ये समझ में आ गया था कि नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं था, ए और बी दो मैट्रिसेस थे और बोला गया था कि ए प्लस बी स्क्वेयर कैलकुलेट करो, मतलब ए एंड बी मैट्रिक्स को ऐड करो, ऐड करके स्क्वेयर कर दो, और फिर बोला कि ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर एंड ट्वाइस ऑफ ए बी कैलकुलेट करो और इक्वेट करो, देखो आता है इक्वल कि नहीं। तो ये दोनों इक्वल नहीं आते थे, और इक्वल नहीं आने के पीछे रीजन क्या है कि ए बी और बी ए ये दोनों अनइक्वल मैट्रिसेस, हमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, इस वजह से ये स्केलर एक्सपेंशन की आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ये पहला क्वेश्चन सबने बोला कि यस समझ में आ गया था। लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। जैसे ये ए फर्स्ट पार्ट जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैट्रिक्स आता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी को कैलकुलेट करते हैं तो ये दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट होता है। हालांकि ये करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस एंड दिस इक्वल और अनइक्वल, तो आप स्ट्रेट अवे ए बी इक्वल टू बी ए टेस्ट कर लोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि स्केलर आइडेंटिटीज मैट्रिसेस के लिए इस्तेमाल करी जा सकती है, प्रोवाइडेड कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा हो। नाउ दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, दैट गिवन ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स फाइंड अ मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया था सबको? जिसको नहीं समझ आया वो डेफिनेटली आंसर करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मीन्स ए सी इक्वल टू बी सेटिस्फाई करने वाला सी मैट्रिक्स चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, 21st क्वेश्चन गिनती का मैं डिस्कस करूंगा अभी, तो जस्ट मैं प्रोडक्ट के सब्सिक्वेंट जो क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा था, ये पहले ही वीडियो में थे, मैं जस्ट मेक श्योर करना चाहता हूं कि आपको समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ, डोंट वरी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है क्या वो समझो, आपको चाहिए ए सी इक्वल टू बी, ए का ऑर्डर देखो तो ए का ऑर्डर है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2/2, और सी हमें मैट्रिक्स डिसाइड करना है, तो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैं बोलता हूं एम बाई एन, लेट किया मैंने, लेट द ऑर्डर ऑफ सी इज एम बाई एन, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल तभी होगा जब टू और एम इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द प्री फैक्टर इज नंबर ऑफ रो ऑफ द पोस्ट फैक्टर, तो एम की वैल्यू आ गई 2, और अगर एम 2 है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा 2/n ऑर्डर का, वेयर एज रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें चाहिए 2/2, तो एन की वैल्यू भी आ गई 2। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? गुड, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स सी हुआ, तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे, मतलब आप ऐसे ले लो कि ए तुम्हारा था, ये तो गिवन ही था, ए है 5, 7, 2, -1, और सी हम एज्यूम कर लेंगे एक्स वाई ए बी, ऐसा कुछ एज्यूम कर लो 2/2, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स तुम्हारा दिया ही हुआ है बी दैट इज 2, -2 एंड 1 एंड 0। अब आप सिंपली प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करो और एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करो, जैसे 1, 1 एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, 1, 1 एलिमेंट कैसे आया, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट से आया, तो ऑब्वियसली आया 5x + 7y इज इक्वल टू 2। एग्जैक्टली इसी तरह से 2, 1 एलिमेंट कैसे आया, 2, 1 एलिमेंट, तो 2, 1 एलिमेंट आया होगा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के प्रोडक्ट से, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट से, ये तो 2, 1 एलिमेंट आ गया 2x - y, 2x - y इज इक्वल टू 1, 2, 1 एलिमेंट ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। फिर ये दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, अब आपको याद आ गया होगा एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी।
एग्जैक्टली इसी तरह से अभी मैंने सिर्फ दो एलिमेंट को कंपेयर किया, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को फाइंड किया। इसी तरह से अगर मैं वन टू एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम की बात करेंगे तो हमें मिलेगा 5a प्लस 7b इट इज इक्वल टू माइनस 2 एंड सिमिलरली 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a मिल जाएगा एंड b मिल जाएगा एंड देयरफॉर चारों एलिमेंट आपके सी मैट्रिक्स के मिल गए तो हमारा सी मैट्रिक्स कंप्लीटली नोन हो गया। ये बेसिकली यही हमारा टास्क था कि सी मैट्रिक्स को फाइंड करना। तो आई थिंक इसके बाद लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो आप कर जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट था एज सच। अब देखो अभी भी कुछ साहब लोग अभी भी एंटर कर रहे हैं। अच्छा एक और बात देखो कि ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मैट्रिसेस की थ्योरी में ऐसे ही सी मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर जो प्री फैक्टर है ये ए मैट्रिक्स, इसको अगर मुझे हटाना है तो आप आगे पढ़ेंगे जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस को कैलकुलेट फाइंड करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको दिया हुआ है ए सी इक्वल टू बी, राइट, ए सी इक्वल टू बी, और मैंने कल बताया था कि ए मैट्रिक्स जो है अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, यहां पर तो आता है माइनस फाइव, फाइव इंटू माइनस वन माइनस 14, इट इज इक्वल टू माइनस 19 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स से अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स अगर मैं ऐसा कर दूं तो आएगा ए इनवर्स इंटू ए सी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, और फिर यहाँ एसोसिएटिव लॉ यूज करो तो ए इनवर्स और ए का जो प्रोडक्ट है ना, ए इनवर्स और ए का जो प्रोडक्ट है आई हो जाएगा। तो आई इंटू सी, आई इंटू सी इज नथिंग बट सी, बिकॉज आई से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स चेंज नहीं होता, तो सी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो जो अभी हमने कैलकुलेशन किया ये बेसिकली था बिल्कुल एलिमेंट्री मेथड। हमने मैट्रिक्स को एज्यूम कर लिया, इसमें चार एलिमेंट थे, चार अननोन थे, तो दो अननोन दो इक्वेशन का दो सेट ऑफ इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया अलजेब्रा से और आंसर आ गया। बट अगर यहीं पर 3x3 का कोई अननोन मैट्रिक्स होता तो नाइन एलिमेंट्स, नाइन अननोन्स हो जाते, तो ये मेथड बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। तो यही सारे इश्यूज थे जिसके लिए इनवर्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया गया कि भाई ए इनवर्स मिल गया तो सीधे ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी मैट्रिक्स कंप्लीटली नोन हो जाएगा। तो उसके जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी अननोन होंगे, सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो वी नीड नॉट टू गो बाई सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस, बट फॉर दैट आपको ए इनवर्स, इनवर्टिबिलिटी, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना, ये सब पहले सीखना पड़ेगा, जो सब्सिक्वेंटली एक एक करके आप धीरे धीरे दो तीन लेक्चर में सब सीख जाओगे। एनीवे सेकेंड क्वेश्चन अब तो क्लियर है जी। ओके अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन था, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, डज इट इंप्लाई दैट ए इज नल और बी इज नल, जस्टिफाई योर आंसर। ये क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन ना स्केलर जो नंबर्स थी उनकी जो अलजेब्राइक ऑपरेशन में जो चीजें हम करते थे उन्हीं बातों पर बेस करके हम मैट्रिसेस के डाउट्स रेज कर रहे हैं कि क्या ऐसा तो स्केलर में पॉसिबल होता था, तो क्या मैट्रिसेस का जो अलजेब्रा है क्या उसमें भी ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्वेरीज हैं बेसिकली, कॉन्सेप्चुअल क्वेरीज हैं कि क्या ये पॉसिबल है। स्केलर में आप क्या करते थे कि दो नंबर्स एक्स और वाई का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे कि दिस इंप्लाइज आइदर एक्स इज जीरो और वाई इज जीरो और बोथ जीरो। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों नॉन जीरो हो और ये प्रोडक्ट जीरो हो जाए। अब बात आती है कि मैट्रिसेस में अगर ऐसा कोई इक्वेशन आ गया कि ए बी इक्वल टू जीरो, जीरो मैट्रिक्स, तो क्या वहां भी हम ऐसा आर्गुमेंट देंगे कि ए बी जीरो तभी होगा जब या तो ए जीरो मैट्रिक्स हो या बी जीरो मैट्रिक्स हो। दिस वॉज द क्वेश्चन। तो बेसिकली हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं है, दो नॉन जीरो, जो दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो हो सकता है,
या ऐसे मैं बोलूं कि क्या दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है? दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है, तो उसके लिए पहले तो आपको सोचना चाहिए। तो आप अगर रफली सोचो कि भाई ठीक है, एक ए मैट्रिक्स अगर मैं ले लू ऐसा 0 0 0 और यहां कोई एक एंट्री डाल दू, कुछ भी डाल सकता हूं, लेट अस पुट पी एंड दिस इज ए। अब हमें ये सोचना है कि एक मैट्रिक्स मैं सिंपल लेता हूं 2x2 का ही, क्या मैं 2x2, अब ये देखो मैंने जो यहां अज्यूम किया ये मैट्रिक्स सिंगुलर है बट जीरो नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एक एंट्री नॉन जीरो है। अगर सारी एंट्री जीरो होती तब इसको मैं बोलता नल मैट्रिक्स है। अब ये एक नॉन नल मैट्रिक्स है और इसको मैं एक दूसरे नॉन नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं सो दैट रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स हो जाए, उसकी सारी एंट्री जीरो हो जाए। तो आप कुछ सोचो, ये फर्स्ट रो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा? रिजल्ट का पहला एलिमेंट प्री फैक्टर का R1 और पोस्ट फैक्टर का C1 से मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा। तो R1 जीरो, P है तो रिजल्ट जीरो चाहिए, तो यहाँ P के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं जीरो एंट्री दे देता हूँ और यहाँ कुछ भी रखता हूँ तो आई विल गेट द रिजल्ट जीरो। यहाँ पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन है इसलिए मैं अभी कुछ नहीं पुट कर रहा। अब आता है कि जो हमारा 2 2 1 2 1, तो भाई सेकेंड रो से 2 1 एलिमेंट जीरो ही आएगा और 2 2 एलिमेंट भी जीरो आएगा, यहाँ कुछ भी हो यहाँ जीरो है तो जीरो ही आएगा, तो 2 2 एलिमेंट भी जीरो आएगा। अब ये अगर जीरो मेक श्योर कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। ये एलिमेंट कैसे आएगा जी? 1 2 एलिमेंट है, 1 फर्स्ट रो एंड 2 सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ जीरो कर दें सो दैट पी का प्रोडक्ट जीरो से हो तो जीरो आ जाए, और जीरो का प्रोडक्ट किसी भी नंबर से होगा तो जीरो ही आएगा। तो हमने बोला कि ये एंट्री हमने इंश्योर कर दी कि जीरो आएगा। तो मैंने क्या देखा कि ए मैट्रिक्स अगर मैं इस फॉर्मेट में ले रहा हूं तो बी मैट्रिक्स में ये जो दो डॉटेड एंट्रीज हैं जहां मैंने कुछ भी नहीं पुट किया वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वहां कुछ भी एलिमेंट आप डाल दो तो प्रोडक्ट जीरो ही आएगा। तो मैंने बोला चलो यहाँ एक्स डाल देते हैं और यहाँ वाई डाल देते हैं। अब This is a matrix B and this is a matrix A. You can see that A is a non-null matrix. It is not equal to zero matrix. B is a non-null matrix if at least one of X, Y is non-zero. So the product matrix is always a zero matrix or null matrix. So मेरा कहने का मतलब ये है कि दो non-zero matrices का product zero matrix हो सकता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं तो आप खुद देख लो कितने एग्जाम्पल हैं। पी की हम इन्फिनिट वे से वैल्यू दे सकते हैं, एक्स और वाई की इन्फिनिट वे से वैल्यू दे सकते हैं, तो देयर आर इनफिनिट ऑफ इनफिनिट मैट्रिसेस दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड सच दैट बोथ ऑफ देम आर नॉन जीरो मैट्रिसेस बट देयर प्रोडक्ट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर है कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। इस वजह से अगर कहीं पर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स गिवन है तो हम ये नहीं कंक्लूड करेंगे कि आइदर ए विल बी जीरो मैट्रिक्स और बी विल बी जीरो मैट्रिक्स। होप आई साउंड क्लियर, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके ओके। सो फोर्थ क्वेश्चन के बारे में आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था कि एक ए मैट्रिक्स दिया, एक बी दिया और एक सी दिया। हमने बोला कि ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करो, फाइंड ए बी एंड फाइंड ए सी, और फिर शो करो कि ए बी और ए सी इक्वल है। तो आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट है, तो ए बी और ए सी इक्वल है। बट ध्यान से देखो तो बी और सी अनइक्वल मैट्रिसेस है, राइट? तो बी और सी अनइक्वल मैट्रिसेस हैं बट स्टिल ए बी और ए सी का प्रोडक्ट करके जो मैट्रिसेस आते हैं दोनों इक्वल आ जाते हैं। ये स्केलर अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट है ना, क्योंकि स्केलर अलजेब्रा क्या बोलता है, नंबर्स की थ्योरी क्या बोलती है कि इक्वल
multiplied by equal remain equal, and equal multiplied unequal multiplied by equal becomes remains unequal. मतलब दो अनइक्वल नंबर है और उनको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो अनइक्वल ही रहेंगी. सेम नंबर मतलब नॉन जीरो नंबर. यहां पर ऐसा नहीं है. दो अनइक्वल मैट्रिसेस को मैंने किसी तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया. हाँ बिल्कुल सही. तो रिजल्ट इक्वल आ गया. ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? तो आप में से एक आंसर आया कि बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ए का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है. ए का डिटर्मिनेंट चेक करो तो डिटर्मिनेंट ए क्या आया, माइनस 18 प्लस 18 दैट इज जीरो. इसका मतलब है ए इज नॉन इन्वर्टिबल. इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? बिकॉज अगर इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, इफ ए इनवर्स हैड एग्जिस्ट, तब हम क्या करते, ए बी इक्वल टू ए सी मान लो गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी आया और ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड, तो आ जाता है ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए. एसोसिएटिव लॉ से आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी और ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू सी हो जाता है तो बी इक्वल टू सी आ जाता है. इसका मतलब है कि अगर प्री फैक्टर दोनों में सेम है और वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, नॉन सिंगुलर है, तो ये दोनों मैट्रिसेस भी सेम होंगे तो इक्वल मैट्रिसेस ही आएंगे. ए बी इक्वल टू ए सी से बी इक्वल टू सी आ जाएगा. तो अगर कहीं पर B और C अनइक्वल हैं और आप किसी मैट्रिक्स A से दोनों को प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐसा करने से इक्वालिटी आ जा रही है अनइक्वल मैट्रिसेस के केस में, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब A क्या हो, सिंगुलर हो. अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. अरे वही तो बात है ना लवण्या. हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इक्वल सी आ जाएगा, वही तो मैंने करके दिखाया. लेकिन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई तो तब करेंगे ना जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. यहां पर ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, इस वजह से ये पॉसिबल. डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो है इसलिए ये पॉसिबल. गुड. तो ये अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट था जो स्केलर और मैट्रिसेस में डिफरेंट है, आपने ऑब्जर्व किया. तो कैंसिलेशन लॉ वही बात जस्टिफाई हो गई ना जो कल की क्लास में डिस्कस हुआ था. कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. ए बी इक्वल टू ए सी डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई बी इक्वल टू सी. ए बी इक्वल टू ए सी विल इंप्लाई बी इक्वल टू सी ओनली इफ ए इज इनवर्टिबल, दैट इज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. फिर एक क्वेश्चन ऐसा था, आई थिंक ये तो सिंपल था. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 सबने कर दिया होगा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैं आगे बढ़ूं? ये सारे सम्स के आंसर थर्ड वीडियो में थे इसलिए मैं सिर्फ प्रीव्यू कर रहा हूं. राइट राइट, थैंक यू. अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस ये सम भी वहां पर इलेबोरेटली डिस्कस हुआ था, बट इससे रिलेटेड जो खास बात है वो मैं रिव्यू करना चाहूंगा कि ये नोट आप याद रखो दैट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, मीन्स ए एंड बी कम्यूटेटिव है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए अगर ये दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हैं, देन ए स्क्वायर बी विल बी आल्सो इक्वल टू बी ए स्क्वायर. कहने का मतलब अगर ए बी से कम्यूट कर रहा है तो ए का पावर 2 कर दो, ए स्क्वायर भी बी से कम्यूट करेगा.
इतना ही नहीं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए, मतलब अगर ए बी से कम्यूट कर रहा है तो ए का कोई भी पावर बी से कम्यूट करेगा, ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी ए क्यूब, ऐसे ही ए बी क्यूब विल बी इक्वल टू बी क्यूब ए। ये बात बिल्कुल, ये सारे प्रूफ भी कर सकते हैं कि अगर ए और बी कम्यूट करेंगे, ए और बी का प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है, मतलब हम बोलेंगे उसको ए कम्यूट्स विद बी, देन एनी पावर ऑफ एनी नेचुरल पावर ऑफ ए विल ऑल्सो कम्यूट विद बी, एंड सिमिलरली आई कैन से फॉर एनी नेचुरल पावर ऑफ बी। तो फाइनली जो आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है कि अगर ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तो ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एन विल कम्यूट टू बी, ए रेस टू द पावर एन विल बी इज इक्वल टू बी ए की पावर एन, एंड सिमिलरली बी की पावर भी ए से कम्यूट करेगी, तो ए बी रेस टू द पावर एन विल ऑल्सो बी इक्वल टू बी रेस टू द पावर एन टाइम्स ए। और आपको इसको प्रूफ करके देख भी लेना चाहिए, जैसे कि अगर मैं सिर्फ एक ये वाला पार्ट अगर प्रूफ करने के लिए करूं तो देखो कैसे होगा। मैं बोल रहा हूँ ए स्क्वायर बी से स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का मतलब क्या होता है, इट इज ए मल्टीप्लाइड बाई ए बी, है ना, ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि ये जो पोस्ट फैक्टर ए बी है इसको मैं ए बी इक्वल टू बी ए है तो ए बी को मैंने बी ए में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे हो ना क्या क्या किया मैंने, जो ये जो फैक्टर है इसको हमने कम्यूटेटिव लॉ से यहाँ जो दिया था इन्फॉर्मेशन इससे मैंने बी ए लिख दिया, और फिर इसको हमने क्या लिखा, ए बी एसोसिएशन को चेंज किया, ए बी इंटू ए कर दिया, है ना, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा, और फिर ए बी वापस ए बी को क्या लिख दिया, बी ए, तो आ गया तुम्हारा बी ए इंटू ए आ गया, फिर एसोसिएटिव लॉ यूज किया तो ये बी इंटू ए प्रोडक्ट ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, कहने का मतलब है जो ए स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड में सारे इकट्ठा है ये एक एक करके हम राइट में भेजेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्प्लिट कर दिया ए इंटू बी, फिर एक एक ए बी को बी ए करते गए, सो दैट फ्लिप करते गए, तो लेफ्ट में ए है राइट में कर गए, फिर से लेफ्ट में ए है राइट में ए कर दिया, तो अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया। इसी तरह से आप ए बी स्क्वायर को बी स्क्वायर अपने आप प्रूव करो, ए क्यूब बी को बी ए क्यूब प्रूफ करो, ए बी क्यूब को बी क्यूब ए प्रूफ करो, ऐसे ही सिर्फ मैनुअली प्रूफ करो, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं प्रूफ होता है तो आप बोलेंगे तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो कंक्लूजन क्या इस डिस्कशन का, कि अगर ए बी और बी ए इक्वल है, अगर ए कोई मैट्रिक्स ए किसी मैट्रिक्स बी के साथ कम्यूट करता है तो ए की कोई सी भी नेचुरल पावर भी उस मैट्रिक्स बी के साथ कम्यूट करेगी, एंड वाइस वर्सा। इसी की हेल्प से ये सारी आइडेंटिटी प्रूव होंगी। तो आपने कितना सीरियसली इसको लिया मैं नहीं जानता, बट आई वुड से दैट मैट्रिसेस अलजेब्रा में कहीं पर आप अड़े नहीं आगे चल करके, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम आएंगी इस पर, उसके लिए ये बेसिक आइडेंटिटीज को अपने आप प्रूव करके देखेंगे सारी आइडेंटिटीज को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवेंथ क्वेश्चन था यही, इसी की बात में कर रहा था कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन ए बी रेस टू द पावर एन इज ए एन रेस टू द पावर बी एन। तो आप बेसिकली ये आपके लिए एक टास्क भी हो गया कि आप ये भी प्रूव करेंगे, ए रेस टू द पावर के इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर के प्रूफ कर लेंगे, ऐसे ही ए इंटू बी की पावर के इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर के इंटू ए प्रूफ कर लेंगे। तो एक ये आपके लिए टास्क हो गया, कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए और ये भी कर लेना चाहिए। ये सब स्केलर के लिए बहुत सिंपल बात है ना, जैसे आप बोलते थे x into y की पावर n करते हो तो क्या हो जाता था, x की पावर n into y की पावर n। तो हम जानना चाह रहे हैं कि क्या मैट्रिसेस में भी ये वैलिड है, तो कंक्लूजन ये आता है कि यस, अगर प्रोडक्ट कम्यूट कर रहे हैं तो ये सारी स्केलर की जो बातें हैं वो मैट्रिसेस के लिए भी सिमिलरली एप्लीकेबल है। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपने प्रोडक्ट के कंटिन्यूएशन में किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जी। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिकॉज नए हैं तो आप एक एक करके देखते जाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज।
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अब जो बातें हो रही हैं वो आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए हो रही हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पहले तो ट्रांसपोज का मतलब समझ लो, फिर डेफिनेशन लिख देंगे। मान लो एक मैट्रिक्स ए है और सपोज करो कि इसका ऑर्डर है 2x3। मान लो इसके एलिमेंट हैं a11, a12, a13 एंड सेकेंड रो हैज एलिमेंट a21, a22, a23। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने बिल्कुल जनरल फॉर्म एक मैट्रिक्स लिया। तो ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, उसको हम ए टी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे मिलता है, तो मैट्रिक्स के रोज को कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब फर्स्ट रो को हम बना देते हैं फर्स्ट कॉलम, तो रो के एलिमेंट कॉलम में इंसर्ट हो गए a11, a12, a13। सेकेंड रो को बना दिया सेकेंड कॉलम, तो आ गया a21, a22, a23। तो एक मैट्रिक्स बना जिसका ऑर्डर रिवर्स हो गया, ऑर्डर हो गया क्या 3x2 हो गया। इस मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब ट्रांसपोज करने के लिए हमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऐसा करने पर ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, m/n होगा, तो n क्रॉस m का मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अगर इस को ए ट्रांसपोज को एक मैट्रिक्स b बोलता हूं कि एक नया मैट्रिक्स से मान लो इसको b नेम किया, तो अब जरा देखो कि b11 क्या आया, b11 क्या है सेम एज a11। b12 क्या आया, 12 एलिमेंट क्या आया b मैट्रिक्स का, ये है b12 है ना, तो b12 क्या आया, ये आया a21। तो जो 21 एलिमेंट होता था किसका, ओरिजिनल मैट्रिक्स का, वो ट्रांसपोज में क्या हो गया 1-2 एलिमेंट बन गया। ऐसे ही b22 एलिमेंट क्या है, b22, ये a22, बट b21 एलिमेंट क्या है, b21। अब b21 कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये तो b21 क्या हो गया a12। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, जनरल बात क्या समझ में आ रही है कि bij क्या होगा, bij, ijth एलिमेंट ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी सेम एज aji। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का jith एलिमेंट होगा वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट हो जाएगा। और अगर i इक्वल टू j मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो bii विल रिमेन aii, तो डायगोनल एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं कि ट्रांसपोज करने से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट वही रह जाते हैं। देखो यहां प्रिंसिपल डायगोनल तो कंप्लीट होगा नहीं क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, बट यस जो डायगोनल एलिमेंट डू नॉट चेंज एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट डायगोनल के अक्रॉस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये वाला एलिमेंट यहां आ गया, ये वाला एलिमेंट इस जगह पे चलाएगा, ये वाला एलिमेंट यहां आ जाएगा, तो आपका जो लेआउट मैट्रिक्स का होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ऐसा मैट्रिक्स का इस तरह, इसीलिए आपने देखा ऑर्डर रिवर्स हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, हर्षवर्धन, कुनिक, ओके गरिमा, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या हो रहा है, कैसे हम फाइंड करेंगे, रो कॉलम इंटर, कभी ऐसे बोलेंगे रो एंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, इसीलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं आर, डिटर्मिनेंट जब करेंगे ना तो इसको ऐसे नोटेशन देंगे आर सी, आर इंटरचेंज विद सी, रोज आर इंटरचेंज विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। अब जरा बात समझ में आ गई, तब इसका डेफिनेशन लिख लो एक जगह पर, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो। तो जस्ट जस्ट कीप ऑन राइटिंग नाउ।
ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है, तो आप लिखेंगे बिल्कुल वर्ड के फॉर्म में, फटाफट लिखिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज ए डैश और ए ट्रांसपोज ए टी, ए सुपरस्क्रिप्ट टी, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाई चेंजिंग रोज विद कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स. So when rows are interchanged with column correspondingly, first row becomes first column, second row becomes second column, third row becomes third column. So we get the transpose of a given matrix. If you ask, बेटा तुम दोनों दिन लेट क्यों हो जाते हो? So लिखने का तरीका क्या है, ट्रांसपोज लिखने का तरीका क्या है, वो कुछ ऐसा है कि ए ट्रांसपोज अगर मैं लिखूंगा और ए मैट्रिक्स अगर है ए आई जे एम बाई एन, तो ए ट्रांसपोज लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इट इज इक्वल टू, एक दूसरा सिंबॉलिक नोटेशन लेंगे, ए के बजाय बी ले लिया मैंने, बी आई जे के जगह हम लोग क्या लिखेंगे जे आई, जनरल एलिमेंट जे आई कर देंगे क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, m by n था ये तो हम इसको लिखेंगे n by m, where bji will be nothing but aij. तो ये है ट्रांसपोज लिखने का तरीका. जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स है c और वो लिया हुआ है cij and 3 by 4, तो c ट्रांसपोज लिखने का क्या तरीका होगा, C ट्रांसपोज हो जाएगा इट इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 4 by 3, सी आई जे है तो उसको हम लिखेंगे डी जे आई, वेयर यहां मेंशन कर देंगे डी जे आई इज इक्वल टू सी आई जे, जे आई एथ एलिमेंट ऑफ द ट्रांसपोज विल बी आई जे एथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो ये है कि ट्रांसपोज को एलिमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तभी जाके जनरल फॉर्म में बातें समझ में आएंगी. तो ये ट्रांसपोज की बात हो गई, जैसे ए बी सी डी एफ ये मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज ऐसे लिख दिया. प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की लिख दो फटाफट, देख लो ट्रांसपोज करने पर रो कॉलम इंटरचेंज होते हैं, अगर एक बार ट्रांसपोज किया फिर से ट्रांसपोज किया तो वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगा. इसी तरह से जो जो प्रॉपर्टीज है वो एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं, अगर आपने पहले किया हुआ तो, किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करो फिर ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लेके कैसे मल्टीप्लाई करो एक ही बात है, किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करो यू गेट द सेम मैट्रिक्स, समेशन ऑफ मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब पहले ऐड करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके ऐड करो एक ही बात है. ट्रांसपोज लेने पर जो डायगोनल एलिमेंट है वो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट नहीं चेंज होगा, तो ट्रेस ऑफ ए विल रिमेन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज. एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ए बी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया फिर ट्रांसपोज किया, देन द रिजल्ट विल बी बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मींस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ट्रांसपोज प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बट उस प्रोसेस में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. मैं चाहूंगा कि इसका प्रूफ लिख करके इसको प्रूफ करो, ये लास्ट प्रॉपर्टी को आप प्रूफ करके और मुझे ऐप के ऊपर में सबमिट करेंगे, मैं चेक करूंगा कि आप में से कितने लोग इस प्रूफ को कैरी आउट कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये था, जिसको पहले अगर नहीं समझ में आया था तो अब आप बता सकते हो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, और नहीं तो फिर हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर जाते हैं. सो ट्रांसपोज इज क्लियर, ओके. सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ये कॉन्सेप्ट भी सिंपल है जी. क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए सपोज करो, और ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो लेट मी टेक एस 3 by 2 ऑर्डर, द एलिमेंट्स आर 2 1 प्लस आयोटा एंड
आयोटा 3 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा एंड 0। एक मैट्रिक्स है, इसको हम नॉन रियल मैट्रिक्स बोलेंगे ना। नॉन रियल मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि रियल मैट्रिक्स होने के लिए सारी एंट्रीज रियल होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग नॉन रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब नॉन रियल मैट्रिक्स कोई अगर मैंने लिया और हम इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की बात करें, तो ए कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए जब कोई आपसे बोले तो आप क्या समझेंगे? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका नोटेशन जो होता है ना वो ए बार होता है। मतलब क्या हुआ? ये मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स तो कोई नंबर नहीं है, तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का सेंस क्या है? तो ये एक नया एक सेंस हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि नंबर होती है तो नंबर का कॉन्जुगेट आप जानते हो कि x प्लस आइटा वाई का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आइटा वाई। बट सिमिलर टू दैट हम लोग मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रहे हैं कि इट इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय देयर कॉन्जुगेट। क्योंकि एलिमेंट तो नंबर ही होंगे, तो नंबर का कॉन्जुगेट 2 का कॉन्जुगेट 2, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही रहता है। 1 प्लस आइटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, 3 माइनस आइटा का कॉन्जुगेट 3 प्लस आयोटा, एंड 2 प्लस 3 आइटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा, एंड 0 का कॉन्जुगेट 0। तो वंस यू रिप्लेस एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय देयर कॉन्जुगेट, देन द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेंड इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए, और इसका नोटेशन जो है वो है मैट्रिक्स ए के ऊपर एक बार सिंबल यूज कर लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको फॉर्मली नोट कर लो कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज हैविंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट्स एलिमेंट, देन अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए बाय रिप्लेसिंग एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट नंबर्स, that is a plus iota b is replaced by a minus iota b and a minus iota b as a plus iota b, then the resulting matrix is called conjugate matrix of a। लिखने का तरीका क्या है? अगर a है aij m by n तो a bar हो जाएगा aij का bar m by n, मतलब हर general element का bar कर दो, that's it। फिर एक term और भी define कर दो, transposed conjugate। As the name suggests, transposed conjugate का मतलब क्या होता है कि conjugate किया फिर transpose किया। पहले एक matrix है उसका conjugate लिया फिर conjugate का transpose कर दिया। तो ये definition भी लिख दो, the transpose conjugate of a matrix A is denoted as A theta, जो उसका सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है वहां पर हमने लिखा है थीटा। अब ये ए के पावर थीटा नहीं, ए थीटा इसका नोटेशन है, और ए थीटा क्या है? तो ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। मतलब कि पहले आप मैट्रिक्स ए ले लो, उसका कॉन्जुगेट कर दो, और कॉन्जुगेट करके फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, वही मैट्रिक्स ले लो, या एक सिंपल सा मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, ये 2 प्लस आयोटा 3, 1 माइनस 3 आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा। अब अगर ये ए मैट्रिक्स है तो आप मुझे बताओ ए थीटा क्या होगा? तो आप बोलोगे क्या कि ए से हम पहले फाइंड करेंगे ए बार आ गया जी, जस्ट ए बार आ गया 2 माइनस आयोटा 3, 1 प्लस 3 आयोटा एंड 0, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट 1 माइनस आयोटा, और 4 माइनस आयोटा का कंजुगेट 4 प्लस आयोटा। ए कंजुगेट मिल गया, नेम देखो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट किया फिर ट्रांसपोज कर दो, ये हो गया तुम्हारा ए बार का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने में क्या होता है आपको पता ही है,
कुनिक क्या हो गया था बेटा? ओके, तो क्या आया जी? ये है एक कॉन्जुगेट, इसका ट्रांसपोज किया तो हमारा एक 3/2 का मैट्रिक्स फॉर्म हो गया है। 3/2 देख सकते हैं क्या आएगा, 1 1 एलिमेंट क्या आएगा, 2 - i और फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम 0 एंड दिस इज 3, दिस इज 1 + 3 i एंड दिस इज सॉरी 3 and 1 - i। तो ट्रांसपोज करके हमने कॉन्जुगेट कर लिया। अब आपको टेस्ट कर सकते हो कि आप पहले कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो तो ये आएगा। अगर पहले ही आप ट्रांसपोज कर दो, इसी का ट्रांसपोज कर दो और फिर से कॉन्जुगेट करो तो भी वही आएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है कि ए ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप याद रखेंगे इसको, इसको नोट कर लेंगे। तो ये था ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या ए थीटा लिखने का वे तरीका। एनीवे, तो ये तो हो गया कि जो क्लासिफिकेशन, अब देखो अभी तक जितना मैट्रिसेस का पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो सारा पार्ट थियोरेटिकल नेचर का था। तो डेफिनेटली जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसका जो थ्योरेटिकल है, टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी बातें पहले समझनी होती है। और ये मैथमेटिक्स में काफी बोरिंग भी होता है, बट अगर पेशेंस से आप ये थ्योरेटिकल वाले पार्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो इंटरप्रिटेशन आपके ज्यादा अच्छे होंगे। वो ठीक है, ये ट्रबल आ रहा है कि जैसे ही जो है कनेक्शन थोड़ा सा सिग्नल वीक होता है ना, तो कनेक्शन का लॉस हो रहा है। ये तो आप क्या करोगे, ये इश्यू है। बस ये है कि आप तुरंत मुझे वेव कर दिया करो या रेज हैंड कर दिया करो। ठीक है, अब जैसे राइट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एज वेल एज द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फटाफट जरा इसको कैलकुलेट करो। अब मैं जो जो क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा साथ के साथ आप करके देखेंगे जल्दी जल्दी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो एक मैट्रिक्स गिवन है मैंने, जैसे मैंने अभी करके दिखाया कि 2/3 का एक मैट्रिक्स है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसका आप लिखोगे ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो पहले कॉन्जुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, सिंपल है। और इसी तरह से ये दूसरे मैट्रिक्स का भी, तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है डायरेक्ट अगर, तो आप दो काम कर सकते हैं कि आईजेथ एलिमेंट को कॉन्जुगेट करके जे आईएथ की जगह पर एंटर कर दो डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3/2। अब डायगोनल एलिमेंट जो है वो जस्ट कॉन्जुगेट कर हो जाएंगे कॉन्जुगेट। तो यहां पर 2 - i हो जाएगा, 1 1 एलिमेंट हो जाएगा 2 - i, 2 + i सॉरी। और जो ये 1 2 एलिमेंट है ना, 1 2 एलिमेंट ये 2 1 पोजीशन पे जाएगा कॉन्जुगेट होकर के, तो ये रियल है तो वही रहेगा 2 1 पोजीशन पे। 4 ये जो 1 3 एलिमेंट है ये कॉन्जुगेट करके 3 1 पोजीशन पे जाएगा, तो 3 - i हो जाएगा। और जो 2 1 एलिमेंट है, 2 1 एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कॉन्जुगेट करके और 1 2 पोजीशन पे जाएगा, तो 1 - 2 i हो जाएगा। वेल डन वेल डन, जिसका हो गया फैंटास्टिक। ऐसे ही जो 2 2 एलिमेंट है ये कॉन्जुगेट होगा बट 2 2 पोजीशन वही रहेगी, तो -5 i हो जाएगा। और 2 3 एलिमेंट जो है वो 3 2 पोजीशन पर जाएगा और कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 i। तो आपको ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मिला। मतलब ये हमने जो लिखा वो क्या लिखा, हमने लिखा है ए थीटा लिखा डायरेक्टली। इसी को आप दो स्टेप में कर सकते थे कि पहले ए से ए बार लिख देते और फिर ए बार का ट्रांसपोज कर देते, तो वही आता।
या पहले ट्रांसपोज करके फिर कॉन्जुगेट कर लेते तो भी वही आता। ऐसे ही आप सी भी कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे उसमें आपका ट्रांसपोज करने से ऑर्डर नहीं चेंज होगा, तो जस्ट आप ये सी का, मैं सी थीटा लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करो, सी थीटा डायरेक्ट लिख रहा हूं। कैसे लिखोगे सी थीटा डायरेक्ट? तो ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा, डायगोनल एलिमेंट को जस्ट उसी की जगह पर रख दो कंजुगेट करके, तो ये आ जाएगा 2, 5 का 5 ही रहेगा और 4 का 4 ही रहेगा। फिर देखा 3 प्लस 2 आयटा कंजुगेट होकर के यहां आ जाएगा और ये वाला कंजुगेट होकर यहां चला आएगा, देख रहे हो क्या होगा, 3 माइनस 2 आयटा का कंजुगेट 3 प्लस 2 आयटा, तो 3 प्लस 2 आयटा ही रहेगा और यहाँ 3 माइनस 2 आयटा रहेगा। ये 1 माइनस आयटा का कंजुगेट क्या होता है, 1 प्लस आयटा, जो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो 1 प्लस आयटा ही आएगा यहाँ पर, और 1 प्लस आयटा का 1 माइनस आयटा। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका जिसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया और वही मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, तो सी थीटा इक्वल टू सी। ये स्पेशल मैट्रिक्स है, आगे चल करके आप इसको पढ़ेंगे, इसको हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ए थीटा इक्वल टू ए हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका नेम इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस पर क्वेश्चंस जे में पूछे गए डिटरमिनेंट इन्वॉल्व करके। तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करो और वापस ए आ जाए, या ए ट्रांसपोज लो और फिर उसका कॉन्जुगेट करो और फिर से वही मैट्रिक्स ए बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। एनीवे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया कि ट्रांसपोज करना, कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करना, ये कैसे करते हैं। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ओके जी, ओके। तो ये दो सम्स हैं, आप जरा इनको करके बताओ। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द अननोन ए बी अल्फा बीटा एक्स एंड वाई। It is given that x and y belongs to pi to 2 pi. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट लोगे तो भी सेम रहेगा, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करोगे तो भी सेम रहेगा, इसलिए आपकी पूरी चॉइस है, आप जो पहले करना चाहते हो कोई इश्यू नहीं। ओके दमन, नाउ टू ऑल, ट्राई कर रहे हैं ना इसको आप, तो मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूं, 2 नहीं जी थोड़ा ज्यादा देते हैं, चलो आपके पास में 4 मिनट टाइम है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यस अनिश, आई नो ये थर्ड लेक्चर में ये हो चुका है, बट इश्यू ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर्स को पूरी तरह से देखा नहीं है, या उनको कहीं पर ट्रबल आई होगी, तो बिकॉज ये इनिशियल बिल्टअप है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो जस्ट हैव पेशेंस, ओके।
तो इसमें क्या है जी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करके एम और एन की वैल्यूज फाइंड करो। रिवर्सल लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए तो डेफिनेटली एप्लीकेबल है। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए क्या पॉसिबल है कि ए बी डिफाइंड होगा तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड होगा? यू हैव टू चेक इट। अगर डिफाइंड है तो एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर एलिमेंट्स को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई, डायरेक्टली दिख रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस एलिमेंट को कंपेयर करता हूं तो अल्फा और बीटा मिल जाएंगे। बीटा मिल गया तो कॉस बीटा मिल गया, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस बीटा, तो वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। और साइन एक्स अल्फा मिल गया तो साइन एक्स इक्वल अल्फा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ए मिल गया, बी मिल गया, एक्स मिल गया और वाई मिल गया, तो ये प्रोडक्ट राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट डिफाइन कर लो। आ गया होगा राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट आप सबका? अब जो भी राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट का वैल्यू आया, अब उसी को सॉल्व करना है। वेरी करेक्ट, एम एन इक्वल टू 15 आ गया, और फिर 15 के फैक्टर्स निकाल लो। तो एम एन इक्वल टू 15 के जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं वो काउंट कर लो, तो ऑब्वियसली आपको आंसर मिल जाएंगे। एम और एन इंटीजर है बोल रहे हैं अगर, तो अगर आपका आया एम इंटू एन इक्वल टू 15, ये बिल्कुल सही है। तो 15 का मतलब हो गया 3 इंटू 5, प्राइम फैक्टर कर दिया। नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए? नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए 2 इंटू 2, दैट इज 4। बट इसका मतलब है कि नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस कितने हुए? नेचुरल, अगर एम और एन नेचुरल नंबर्स होते तो नेचुरल सॉल्यूशंस कितने होते? ये 4 हो गए। अब मान लो एक सॉल्यूशन है 3,5, तो ऑब्वियसली 5,3 भी सॉल्यूशन होगा, 1,15 सॉल्यूशन है तो 15,1 भी सॉल्यूशन होगा। बट साथ के साथ अगर दोनों नंबर्स को नेगेटिव कर दो, -3,-5 भी सॉल्यूशन होगा, -5,-3 भी होगा, तो हर एक नेचुरल सॉल्यूशन से दो सॉल्यूशन जनरेट होंगे, मतलब टोटल 8। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 8 आ जाएंगे। वेरी करेक्ट, एग्जैक्टली। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन था, ये सभी क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स है और थोड़ा आपका जो डेफिनेशंस आप लर्न कर रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो, उसको इस्तेमाल कर रहे हो। दिया कि बी एक मैट्रिक्स है आपके सामने, ए मैट्रिक्स इज आल्सो गिवन, फिर बोला कि बी ट्रांसपोज इज ए कॉन्जुगेट, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप बता सकते हो, सही कि पर आयटा थीटा आपको पता है, यूलर फॉर्म है नंबर का, इसको बोलते हैं कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। बी ट्रांसपोज का मतलब हो गया 1/2 प्लस √3/2 आयोटा एंड 1/2 प्लस 1/6 आयटा। ट्रांसपोज करने से स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा और डायगोनल एलिमेंट तो वही रहेंगे,
नॉन डायगोनल एलिमेंट में यहां पर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा बाई फोर। ये बी ट्रांसपोज है, और बी ट्रांसपोज को आप बोल रहे हो ए कॉन्जुगेट, तो ए कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और आयोटा बी का माइनस आयोटा बी हो जाएगा, और वन रिमेन्स वन एंड एक्स प्लस आयोटा वाई। नाउ व्हेन यू कंपेयर दीज टू, तो क्लियरली कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू हाफ, एंड साइन थीटा हो जाएगा माइनस रूट थ्री बाई टू, बी बी की वैल्यू डायरेक्टली देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट वन टू एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो बी क्या आ जाएगा माइनस प्लस वन बाई फोर, बी आ गया तुम्हारा वन बाई फोर। एंड सिमिलरली एक्स की वैल्यू टू टू एलिमेंट को कंपेयर कर लो तो एक्स की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 1 बाई सिक्स। तो यू हैव गॉट x, यू हैव गॉट x, यू हैव गॉट y, x आ गया, y आ गया, b आ गया, थीटा, ये दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर लें तो आ जाएगा। तो एक्स बी वाई देखो, अगर तो एक्स बी एंड वाई का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, 4, 6 जो है वो एपी में है, तो ऑब्वियसली एक्स बी वाई किस में हो गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गए, तो पहला पार्ट हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टाइप थीटा कॉमा अल्फा वेयर थीटा एंड अल्फा लाइज दिस, ये दोनों ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस अल्फा 1 है और साइन अल्फा 0 है, ये वाले एलिमेंट को कंपेयर करके, 2, 1 एलिमेंट को कंपेयर करके कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको पहले ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और फिर मैट्रिसेस का इक्वालिटी का मतलब क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, और उसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना, सिंपल एपीजेपी का जो डेफिनेशन है वो पता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। Now, move to the other some special type of matrices, जिसमें मैं चार तरह के matrices को अभी define करूंगा, और फिर matrix का जो introduction part है वो खत्म हो जाएगा। तो आप लिखेंगे symmetric matrix। तो ये अब यहां से सारे जो concept है ये question के point of view से बहुत important है। Symmetric matrices क्या है? तो symmetric word आपको पता ही है कि कोई चीज सिमेट्रिक कब होती है, जब वो और उसका मिरर इमेज सेम हो। मिरर इमेज जब बात करते हैं तो हमेशा एक लाइन के अबाउट, एक लाइन को मिरर जैसा ट्रीट करते हैं और उसके अबाउट हम सिमेट्री की बात करते हैं। तो मैट्रिसेस में, स्क्वायर मैट्रिसेस में, अब जो भी डिस्कशन हो रहा है इसके बाद ये सब स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में प्रिंसिपल डायगोनल मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, उसके अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स मैं बोलूं से 3x3 और इस मैट्रिक्स के लिए ये है उसका प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं आप लिखते हो a11, a22 एंड a33। यहां पर a12 है, a12 एलिमेंट, और ये है a21। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं, अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो, ये दोनों, तो हमारा सिमेट्री हो गई इस एलिमेंट के लिए। ऐसे यहां पर अगर a13 एलिमेंट है और यहां पर a31 एलिमेंट है, तो अगर ये और ये एलिमेंट इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं, तो सिमेट्री हो गई इस एलिमेंट की। इसी तरह से अगर a23 एलिमेंट और a32 एलिमेंट भी इक्वल हो जाए, मतलब aijth बिकम ajith एलिमेंट,
तो आई जे एथ और जे आई एथ एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, जैसे जैसे 2 1 5, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मतलब सिमेट्री अबाउट डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल मींस प्रिंसिपल डायगोनल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आया कि है क्या, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो फटाफट एक बार नोट कर लेंगे कि अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ए है ए आई जे ऑर्डर एन बाई एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ द आई जे एथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे आई एथ एलिमेंट एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई एंड जे फॉर दैट मैट्रिक्स, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। अब जरा रिकॉल करो कि ए आई जे और ए जे आई कहां आता था, ट्रांसपोज करते थे तो आई जे एथ एलिमेंट जे आई एथ एलिमेंट बन जाता था। अगर किसी मैट्रिक्स में आई जे एथ और जे आई एथ एलिमेंट सेम है तो ऐसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स अगेन। तो ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स चेंज नहीं होगा। तो वही बात एज ए प्रॉपर्टी हम फॉर्म कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दैट इज द एलिमेंट अक्रॉस द प्रिंसिपल डायगोनल आर आइडेंटिकल एंड देयरफॉर द मैट्रिक्स इफ इट इज सिमेट्रिक इट विल हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो एक एक प्रॉपर्टी करके मेंशन करते जाओ और प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करते जाएंगे। पहला, ट्रांसपोज ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इटसेल्फ। अब इसको अगर मुझे प्रूफ करना है, जनरल प्रूफ देना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट ए, ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर एन बाई एन। अब देखो ये प्रूफ जब मैं जैसे मैं कर रहा हूं ना उसको सीखो। नाउ ए ट्रांसपोज, जैसे मैंने डेफिनेशन बताई थी ट्रांसपोज की, ए ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, तो आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी जे आई ऑर्डर विल बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम नंबर, तो वही आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। वेयर, याद करो क्या बोला था, वेयर बी जे आई इज नथिंग बट, बी जे आई इज नथिंग बट ए आई जे एंड देयरफॉर इसी मैट्रिक्स में जब बी जे आई मैं लिख रहा हूं तो बी जे आई की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर दें, बी जे आई की जगह पर ए आई जे रिप्लेस कर दें। कहां पर रिप्लेस कर दें, इसी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, ए आई जे एन बाई एन। तो थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम है, जस्ट हैव पेशेंस एंड बियर विद मी। तो ए आई जे ए ट्रांसपोज आ गया। अब जरा देखो ये क्या है, राइट हैंड साइड में ए आई जे, ए आई जे क्या है, ए आई जे एन बाई एन, ये राइट हैंड साइड मैट्रिक्स क्या हो गया, तेरा आरएचएस वाला जो मैट्रिक्स है ये हो गया तुम्हारा, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये हो गया ए, वापस वही आ गया ना, ये देखो ये वाला मैट्रिक्स ये आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वो मैट्रिक्स अनचेंज्ड रहता है, इफ इज नॉट चेंज्ड बाय टेकिंग ट्रांसपोज, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दो स्पेशल बात है जो आपको कभी नहीं भूलनी है। एक बात तो ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होते हैं वो आई जे एथ और जे आई एथ एलिमेंट उनमें क्या होता है, सेम। और दूसरी बात, ए ट्रांस उसी वजह से आया कि ट्रांसपोज ऑफ ए एंड द मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल। तो होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। मतलब अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए होगा और बी ट्रांसपोज बी होगा, तो इनका जो सम होगा ए प्लस बी, मैंने बोला कि लेट अज्यूम कर लिया मैंने, लेट सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी,
सी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रूफ करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आप रिकॉल करो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में आपने लिखा था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। रिकॉल करो, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज इज ए। फिर मैंने बताया था के इंटू ए करो, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज ले करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। फिर ये बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स का सम है दो मैट्रिसेस का और ट्रांसपोज करो, तो पहले सम करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके सम करो, एक ही बात है। मतलब ट्रांसपोज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, आप खुद सोचो। आप तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो गया, बट गिवन क्या है? गिवन है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज बी है। तो ऑब्वियसली ये हमारा हो गया ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या था? ए प्लस बी हमारा सी था, ये हो गया सी। मतलब सी ट्रांसपोज क्या आ गया? सी आ गया, तो सी भी क्या हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस बी भी सिमेट्रिक होगा, के इंटू ए भी सिमेट्रिक होगा, के इंटू बी भी सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब है कि अगर आप एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी करते हो, अगर ए सिमेट्रिक है और बी सिमेट्रिक है और दोनों मैट्रिक दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को किसी भी नंबर से रैंडमली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई मैट्रिक्स बनाते हैं, तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट होगा। तो ये अल्जेब्राइकली आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर, डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो ऑब्वियसली मैंने उस पिछली प्रॉपर्टी में इस बात को कवर अप कर लिया, ये अपने आप करके देख लेंगे, इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, गिवन ए एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन्स किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिमेट्रिक है या नहीं है ये नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो और उसमें उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड कर दो, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। इसी तरह से इसको आप प्रूफ करो। इसी तरह से एक दूसरी बात भी प्रूफ करो, फटाफट खुद करो। ए